हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रश्मि शर्मा। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्यूट फोर पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर पार्ट हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। तो ये आपको ये जो हमने एक्सरसाइज 8.3 हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले हमने 8.2 सॉल्व किया, तो उसमें जो एंगल्स गिवन थे वो इस एंगल से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे 0, 30, 45 जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने बनाई थी उससे रिलेटेड एंगल थे, तो वहाँ से हम वैल्यू फाइंड पुट कर लेते उनके उनको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको टू टाइप्स के एंगल होंगे, वो एंगल जिनकी वैल्यू हमें पता है और दूसरे वो एंगल जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अगर वैल्यू पता है और उन तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब हमें एंगल की वैल्यू नहीं पता है तब आपको वहाँ पे क्या चेक करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 8.3 एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चन हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू होंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि 72 प्लस 18 दोनों का एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका सम, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयरिंग करनी है। यहाँ पे तो दो ही गिवन है, तो ऐसे एंगल जिनका सम 90 है उसमें से हमें एक को चेंज करना है, या तो आप 72 जहाँ राइट किया उसको चेंज करो या फिर 18 को चेंज करो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 18 डिग्री को चेंज करते हैं। तो 18 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 72 डिग्री। तो 72 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के बाकी पार्ट को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 18 की जगह वैल्यू पुट करनी, वो है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। यहाँ हमने चेंज कर दिया और किसी को कुछ भी नहीं चेंज करना, बाकी सबको एज इट इज करना। जिन दोनों की पेयरिंग हुई है उन दोनों में से एक को चेंज करना है, एक को चेंज नहीं करना है। तो अब ये आइडेंटिटी हो गई, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो हम इसको यूज़ करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कौन है, थीटा है यहाँ पे 72, तो ये यहाँ हो गया कॉस 72 न्यूमरेटर में हो गया और कॉस 72 डिग्री डिनोमिनेटर में, दोनों सेम कैंसिल, आंसर हो गया 1। ठीक है, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज टेन 26 डिग्री डिवाइड बाय कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम यहाँ पे देखो, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 26 प्लस 64 कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर के एंगल को चेंज करते हैं। तो 26 की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 90 माइनस 64। तो इस वैल्यू को पुट करने से क्वेश्चन में कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा, हम सिर्फ 26 को 90 माइनस 64 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो 10 ये हो गया 90 माइनस 64 डिग्री, और डिनोमिनेटर को हमने कुछ भी नहीं किया। फिर अब यहाँ देखो आइडेंटिटी में, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करें, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हो गया कॉट थीटा कितना है, 64, जो हमने 90 से सब्ट्रैक्ट किया वो हमारा थीटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल, आंसर इज 1। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी कितना है, 1। नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इस पार्ट में भी आप यहाँ देखो, कॉस और साइन का रिलेशन है और
यहाँ पे, यहाँ देखो 48 और 42 कितना हो गया, अगेन 48 और 42 फिर से हो गया 19, 48 प्लस 42 का सम हो गया 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, 48 को चेंज करते हैं, तो 48 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 90 माइनस 42। तो ये राइट, अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, कॉस 48 डिग्री की जगह हमने पुट किया 90 माइनस 42, और ये इसको एज इट इज रखा। अब जो भी जो पेयर बनता है, जिसका भी जोड़ा बनेगा दो का, तो उसमें से एक में वैल्यू पुट करनी है, दूसरे में आपको नहीं पुट करनी है। अगर आप दोनों में पुट कर दोगे तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसलिए सिर्फ एक में पुट करनी है। अभी हमने कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन, साइन का उल्टा होगा कॉस और कॉस का उल्टा होगा साइन, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा कितना है, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यही साइन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दोनों प्लस माइनस माइनस, आंसर कितना हो गया इसका, 0। नाउ हम करेंगे इसका लास्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, सॉरी 59 डिग्री, क्वेश्चन में भी रॉन्ग, 59 डिग्री। तो ये आपका हो गया कॉसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे भी 31 प्लस 59 हो गया 90 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे 31 की वैल्यू को चेंज, 31 को चेंज करते हैं, वो हो जाएगा 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं, किसी भी एक को हमें चेंज करना है, 90 माइनस 59 डिग्री, तो और सेकंड को हमने एज इट इज रखा। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में याद रखने हैं आपको। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो गया सेक 90, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, थीटा कितना है 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये हो गया सेक से सेक कैंसिल, आंसर इज 0। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे इजीली, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनकी पैरिंग बनानी है। तो अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं और वीडियोस के साथ में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।